ये जो घटना घटा है इसके लेकर आपके मन में क्या है? बहुत ही दुखी मतलब दुखी भावना से कहना पड़ रहा है कि अब मंदिर भी सेफ नहीं है। भगवान का जो हिसाब से जो खंडित करके आंख सिर्फ चांदी का आंख था उसको तोड़ने के लिए भगवान को खंडित किया गया, जलाया गया। अब बताइए कि किस तरह से आदमी क्या करे। आस्था पे एक चोट पहुंचा हुआ है। अब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। और चोर को क्या मिला इसे करने से? क्या आंख मूर्ति का आंख हो गया? लेकिन हम लोग को जो आस्था पे जो चोट पहुंचा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी का आंख निकाला गया है, पार्वती जी का आंख निकाला गया है, नंदी महाराज का आंख निकाला गया है। अंदर में मंदिर है, पार्वती जी का भी आंख है, सोने चांदी का दिया हुआ था, गोल्डन पॉलिश था उसमें, वो भी आंख निकाल लिया गया है। और यहाँ नंदी महाराज का एक आंख है, एक आंख नहीं निकला, एक आंख निकाल लिया गया है। आप बताइए इसे क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कुछ नहीं हो सकता है। जब हमारे मंदिर भी जब सेफ नहीं है तो आगे हम क्या सेफ माने? आपका परिचय? हमारा धनंजय मिश्रा नाम हुआ, यहाँ सुखना में शांतिपुरी में घर है, रोड नंबर 100 है। ये जब चोरी हुई तो उस वक्त आप कहाँ थे? हम घर में थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आकर के हमारा पीछे अशोक जी बोले कि बाबा यहाँ पर जो है से बजरंग बली का जो है से शीशा उसका फूट गया है, फोड़ दिया है। तो वहाँ आकर के हम यहाँ देखे कि मैंने जो चांदी का आँख था वो आँख दोनों निकालल था, पार्वती जी के पास जो आँख लगल था वो भी निकालल था, यहाँ पीतल का थाली था, तांबा का लोटा था, वो भी नहीं है। क्या अंदेशा है किस पर? अब यहाँ पर तो किसके कहा जाए, रात में घटना करा तो वहाँ से अब यहाँ पर मैंने ऐसा ही कहा, जिन लोग बोले कि मैंने ऐसा घटना हो, एक दो बार आओ थाली उड़ी लेकर के लोग चला गया। आपका टाइमिंग क्या है पूजा पाठ करने का? यहाँ हम आते हैं सुबह और शाम में आते हैं।